हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया हो। तो आज हम लेके आए हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। और यहाँ पर जो हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिएगा, और थोड़ा सा भी आपको एक्सीप नहीं करना है, नहीं तो बाद में थोड़ा सा एग्जाम में अटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है, कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिएगा। तो हम बात करेंगे, अगर हमको दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हम दो इक्वेशन के, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये भी कोई लाइंस होगा, और ये लाइंस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मान लीजिए ये इक्वेशन है, ये भी ये यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ, ये भी कोई लाइंस इस तरह है, और ये जो इक्वेशन है इसको कोई पॉइंट इस तरह से काट रहा है, तो हमको यहाँ का विस्ट एंगल क्या होगा? आई होप कि मेरा बात आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला के तौर पर जो है ये दोनों इक्वेशन से हम एंगल निकालेंगे, ठीक है। और आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन से हमको स्लोप निकालना है। क्या करना है? स्लोप निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है कि हम ये पहला इक्वेशन का स्लोप निकाल रहे हैं, तो एम बराबर क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटर कोफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे तो सारा कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा आप उसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए, कोफिशियंट ऑफ एक्स है, ये मेरा कोफिशियंट ऑफ मतलब एक्स मेरा ये है, इसका कोफिशियंट क्या है, ए। तो यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा, यानी कि मान लीजिए इक्वेशन वन है मेरा और ये हमारी इक्वेशन ये टू है, इसका हम स्लोप निकालने वाले हैं इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस है और कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का गुणांक क्या है, माइनस ए वन, तो यहाँ पर ए वन बाई कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है, बी वन। समझ में आ रहा है क्या, ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं इक्वेशन वन का जो है स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, एम टू निकालेंगे, तो फिर यही फॉर्मूला का यूज होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स बटे कोफिशियंट ऑफ वाई पर माइनस लगा करके। तो इस फॉर्मूला से क्या, इस इक्वेशन से जो है स्लोप निकालेंगे, तो माइनस ए टू बाई क्या आ जाएगा, बी टू, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर देखिए टेन थीटा है, यहाँ पर टेन थीटा, तो एम वन मेरा क्या है, यहाँ पर माइनस ए बटे बी वन, माइनस ए वन बटे बी वन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एम टू क्या है, माइनस ए टू बटे बी यू, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस देंगे, फिर जो ये माइनस मेरा आएगा यहाँ पर आप लिख ही सकते हैं इसको, माइनस ए टू वाई बी टू, फिर यहाँ पर आप देखिए वन है तो वन देंगे, फिर प्लस एम वन गुना एम टू, आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस ए वन बटे बी वन गुना माइनस ए टू बटे बी टू करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए वन बटन बी वन इंटू ए टू बटन बी टू, ठीक है। इस तरह से अब यहां से देखिए इसको क्या कर रहे हैं, टेन थीटा हो गया यहां से, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए वन बटा बी वन प्लस ए टू बटा बी टू होगा, फिर यहां पर देखिए वन प्लस ये इसको ऐसे ही रख दीजिए, ए वन बटा बी वन इंटू ए टू बटा बी टू, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन से हम कैसे एंगल निकालेंगे वही यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस बहुत कम है, फिर आगे हम बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना सारा हम काम कर लिए हैं, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से बी वन बी टू तो होगा ही नहीं होगा, बी वन और बी टू ये इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी वन बी टू प्लस ए वन बी टू बाई बी वन इंटू बी टू, ये बी वन बी टू कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए टेन थीटा निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, फिर नीचे जो इसको लिखेंगे जिसको हम ए वन प्लस सॉरी
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। तो हम इस तरह से एंगल निकालेंगे। अब बात करते हैं अगर ये दोनों इक्वेशन में क्या हो जाए, यहाँ पर एक इक्वेशन था वो क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। अगर हम बात करिए दोनों इक्वेशन में क्या हो जाए पैरेलल, कहने का मतलब ये पहला लाइन की इक्वेशन है और ये दूसरा लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए पैरेलल, पैरेलल कहने का मतलब जीरो या एक स्पेसिफिक एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम टेन थीटा, यहाँ पर थीटा जगह क्या रख दें जीरो, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, ये अगर यहाँ पर जीरो रखेंगे क्या होगा, टेन जीरो मिलकर जीरो होता है, ठीक है। तो ये जीरो होगा मेरा और ये इस साइड आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या मेरा ये ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा आप दिमाग लगाइएगा, हम क्या बोले हैं अगर ये थीटा वैल्यू यहाँ पर रखे हैं जीरो, तो टेन जीरो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। अब जीरो जीरो हो गया, ये इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। फिर ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू इक्वल टू डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसको हम करेंगे ए टू बी वन, उसके बाद इक्वल टू ये उतर जाएगा ए वन बी टू, ठीक है। आप इसको जो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए टू बटा बी टू इक्वल टू ए वन बटा बी वन। देखिए आप इसी को क्या लिखते हैं, एम वन इक्वल टू एम टू लिखते हैं ना। अगर दो इक्वेशन, मतलब अगर दो इक्वेशन क्या हो पैरेलल हो, तो उसका स्लोप क्या होगा, एम वन इक्वल टू एम टू, तो वही हो ना। यहाँ पर स्लोप देखिए ए टू बटा बी टू आ रहा है क्या, अगर m1 निकाले यहाँ पर आप इसको सीधा लिख सकते हैं, जैसे a2 है ये m2 इक्वल टू m1, ठीक है। अब देखिए ये m2 वाला स्लोप है, इसका स्लोप निकालिए, माइनस a2 बटे b2 आएगा ये भी, ठीक है। अभी ये भी इसका स्लोप निकालिए क्या आएगा, माइनस a2 बटे b1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों इक्वल आ रहा है क्या, इन दोनों का स्लोप क्या है मेरा इक्वल है। अगर दो इक्वेशन क्या हो पैरेलल हो, तो उसका स्लोप क्या आता है पैरेलल आता है, सॉरी मतलब इक्वल आता है। अगर दो इक्वेशन क्या हो पैरेलल, तो उसका स्लोप क्या आएगा इक्वल, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इसको आप नोट कर लीजिए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल पैरेलल देन स्लोप, स्लोप क्या होगा एम वन इक्वल टू एम टू, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक चीज और है, अगर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पर क्या आ जाए परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब क्या होगा, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या बोले थे, अगर ये दोनों इक्वेशन जो है, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन ये कोई दूसरा इस तरह का लाइन है, और ये जो दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो सिंपल बात है, अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो थीटा क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर हम थीटा में 90 डिग्री आता है, तो आप यहाँ पर देखिए हम क्या ले रहे हैं, 1090 ले रहे हैं, बताइए 1090 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और फिर इसको यहाँ से हम ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू बटा, इसको क्या लिखेंगे ए वन बी टू प्लस बी वन बी टू। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1090 का वैल्यू क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, ठीक है। तो अनडिफाइंड आता है, इसको भी इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू बटन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रेसिप्रोक कर लेते हैं, कहने मतलब इसको उल्टाते हैं, तो वन बाय अनडिफाइंड हो जाएगा, और फिर ये भी उलट जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बाई ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। वन बाय अनडिफाइंड क्या होता है, जीरो होता है, इसको हम जीरो लिखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये जब जीरो होगा तो फिर एक स्टेप और लिखते हैं ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बाई ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। आप देख सकते हैं अगर इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा मेरा ये ए वन ए टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर मेरा दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि बोल सकते हैं इफ टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, चाहे आप कोई परपेंडिकुलर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर कुछ भी, तो अगर उस तरह से होता है तो थीटा वैल्यू 90 आता है, उसका जो होगा इस तरह से मेरा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब यहीं पर देखेंगे क्या करते हैं यहाँ पर, तो ए वन ए टू
इक्वल टू इसको लिख सकते हैं बी वन बी टू, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए वन बटा बी वन गुना ए टू बटा बी टू इक्वल टू हम माइनस वन लिख सकते हैं, ऑब्वियसली है कि हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए वन बटा बी वन क्या लिख सकते हैं, एम वन जरूर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये ए वन बटा बी वन है तो इसका स्लोप निकालेंगे क्या होगा, माइनस, यानी कि एम वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ए वन बटा बी वन, ठीक है। अब फिर अगर हम स्लोप निकालेंगे एम टू, इसको क्या होगा, माइनस ए टू बटा बी टू, माइनस ए टू बटा बी टू, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते क्या माइनस ए खत्म हो रहा है ना, उसी तरह यहाँ पर भी है, ए वन बटा बी वन को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एम वन को क्या लिखेंगे, ए वन बटे बी वन, ए वन बटे बी वन क्या लिख रहे हैं, एम वन, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ए टू बटे बी टू क्या लिखेंगे, एम टू इक्वल टू में क्या है, माइनस वन। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइन्स या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उसको हम क्या लिखते हैं, एम वन मल्टीप्लाई एम टू, लेकिन दो लाइन्स अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस वन होता है, ठीक है। इक्वल में क्या होता है, माइनस वन। तो आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, इफ If two lines are mutually perpendicular, कुछ ही बोल दो यार, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा, देन स्लोप एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन। तो अपन क्या करना है, ये चीज याद रखना है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तीज दीजिए, चलिए इस आप और ध्यान में रखिए कि अगर आपको tan थीटा इक्वल टू क्या है, m1 वन माइनस एम टू डिवाइडेड वन प्लस एम वन इंटू एम टू है, ठीक है। यहाँ से अगर दो इक्वेशन रहेगा तो दोनों इक्वेशन का हम स्लोप निकाल के यहाँ पर रखेंगे, इसमें वैल्यू आ जाएगा थीटा का, ठीक है। अब हमको इसी में क्या बोल दिया जाएगा, हमको इसका दूसरा एंगल चाहिए, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो उसके लिए क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स कहने का मतलब एंगल बिटवीन अदर लाइन्स, एंगल बिटवीन अदर लाइन्स, तो इसमें क्या होता है, इसका हो जाता है पाई माइनस थीटा, ठीक है। जहां से थीटा निकलेगा हम यहां से क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा माइनस कर देंगे तो मेरा दूसरा जो होगा अदर लाइन्स का हमको एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं ये दोनों इक्वेशन था और ये दोनों इक्वेशन को हम क्या किया, यहाँ पर राइट किए हैं यानी लिखे हैं। तो अब इससे क्या करना, हमको पहले स्लोप निकालना है। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद जो हमको फॉर्मूला पर रखना है, फॉर्मूला से थीटा निकालना है। तो पहले हम स्लोप ऑफ इक्वेशन वन, तो इससे निकालते हैं पहले स्लोप ऑफ इक्वेशन वन। तो स्लोप क्या होता है कि अगर हम इक्वेशन से निकालें तो कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो पहले माइनस लगाएंगे यहाँ पर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस में होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कि जैसे कि हम फार्मूला पर जो आप देख सकते हैं, आपको फार्मूला पहले भी बता चुके हैं कि स्लोप अगर निकालने के लिए जो निकाला जाता है यहाँ पर, तो स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो जब स्लोप निकालेंगे तो एम वन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस लगाइए, फिर एक्स का ऑप्शन क्या है, माइनस रूट थ्री, फिर वाई का ऑप्शन क्या है, वन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये रूट थ्री आएगा। फिर एम टू का भी वही बात है यहाँ पर, तो माइनस, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन रखिए, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, रूट थ्री, तो माइनस माइनस प्लस, तो वन वाई क्या हो जाएगा, रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि मेरा जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू बटे क्या होगा, एम वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम वन एम टू का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसमें रखेंगे तो क्या थीटा मिल जाएगा, तो टेन थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम वन का मेरा वैल्यू क्या है, रूट थ्री, तो यहाँ पर रूट थ्री लिखेंगे, रूट थ्री माइनस माइनस वन बाई क्या होगा यहाँ पर, रूट थ्री, फिर वन प्लस एम वन इंटू एम टू है, ये दोनों क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई।
रूट थ्री इंटू वन बाई रूट थ्री, और यहाँ पर दोनों पर साइड क्या लगेगा, मोड़ लगेगा, ये रूट थ्री कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ देखिए क्या बचा है, वन, और यहाँ प्लस में वन है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, हम टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री, और पूरा जो मैंने बट्टा में से वन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा हमको, ये क्या आ जाएगा, थ्री माइनस वन टू, तो टू बाई रूट थ्री मल्टीप्लाई टू, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है यहाँ पर, नहीं कुछ तो वन है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं वन बाई रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर क्या निकला, वन बाई रूट थ्री, तो टेन थीटा क्या है, वन बाई रूट थ्री है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इक्वल टू टेन सिक्सटी, सॉरी टेन थर्टी, और टेन थर्टी का वैल्यू क्या आता है, वन बाई रूट थ्री, थीटा क्या आएगा, फाइव बाई सिक्स या 30 डिग्री, या इसका अगर दूसरा एंगल निकालना चाहते हैं अदर एंगल, तो वो क्या हो जाएगा मेरा पाई माइनस थीटा, तो थीटा मेरा क्या निकला यहाँ पर, फाइव बाई सिक्स, तो पाई माइनस फाइव बाई सिक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइव फाइव बाई सिक्स, तो मेरा ये आंसर मेनली रूप से यही 30 डिग्री आंसर है। तो आपको जब भी कहीं मतलब आप क्वेश्चन बनाएंगे कहीं पर भी, आपको अगर बोला जाएगा अदर एंगल निकालने तो मेरा ये आंसर होगा, ठीक है। अगर बोला जाएगा थीटा निकालने के लिए फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी दो इक्वेशन के बीच का एंगल बोला जाएगा निकालने के लिए, तो मेरा 30 डिग्री आंसर आएगा या पैरा सिक्स आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो तो मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो हमको बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन यानी 3x = 5 और 3x + 3y - 2 = 0, ये दोनों इक्वेशन है मेरे पास, और इन दोनों इक्वेशन के हमको बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन करते हैं और इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, 3x + 5 मतलब 3x = 5 है ये इक्वेशन मेरा 1, और उसके बाद जो है 3x + 3y - 2 = 0 ये इक्वेशन मेरा 2 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या एंगल निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरा यहाँ x बराबर, तो यहाँ पर क्या यहाँ इस साइड लिखते हैं इसको, ये मेरा देखिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर ये 3 आएगा तो x बराबर क्या होगा, 5/3, ये कहीं कहीं क्या कर रहा है, यानी कि x को काट रहा है, तो x को काटेगा तो देखिए किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो थीटा को क्या आया है 90, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमको, मतलब यहाँ पर एक नंबर स्वरूप जो निकाले हैं एक मतलब इक्वेशन वन से, इसका यहाँ पर क्या आया है थीटा 90 डिग्री आ रहा है, किससे, फ्रॉम इक्वेशन वन से, क्योंकि ये क्या है बिकाउज वाई एक्सिस, मतलब ये जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए मेरा थीटा क्या है 90, इफ सिंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, इसीलिए थीटा मेरा क्या है 90 है। और यहाँ पर देखिए जब ये 90 है, अब इससे हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, तो यहां से निकालेंगे तो टेन थीटा मेरा क्या होगा, यानी कि m निकालेंगे तो यहां पर माइनस वन होगा, और m को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा बराबर माइनस वन, और टेन थीटा माइनस वन को हम क्या लिखेंगे, टेन 135 लिख सकते हैं, क्योंकि 135 का वैल्यू क्या आता है माइनस वन होता है, माइनस वन, तो थीटा मेरा क्या है यहाँ पर 135। हमको इन दोनों बीच के एंगल यदि फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कि 90 - 130 मतलब 135, इसमें घटा ये क्या आ जाएगा, ये मोड लगा करके क्या करना है हमको, 90 - 135 घटाना है, कितना हो जाएगा हमको 45 डिग्री, ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन देखिए आप इसको इसी तरह सॉल्व कीजिए, अगर यहीं पर रहता 3y = 5 तो ये क्या हो जाता है कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल इसका मतलब कि यहाँ पर यूडी एंगल बना रहा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से थीटा बराबर क्या हो जाता है मेरा 0 हो जाता, ठीक है, वो चीज़ बाद में है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए और थोड़ा अच्छे समझिए कि 3x = 5 है, तो x = 5 निकालेंगे, कहीं कहीं x को काट रहा होगा, तो ये किसके y एक्सिस के पैरेलल है, कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा 90 होगा। उसके बाद स्लोप इक्वेशन 2 से निकाले, यानी कि 2 ये मेरा इक्वेशन है, अगर इससे स्लोप निकालते हैं तो मेरा -1 आता है, तो m को क्या लिख सकते हैं थीटा, और फिर -1 जो होता है 10 125 का वैल्यू होता है, ठीक है,
टेन थीटा इक्वल टू टेन 125, तो थीटा इक्वल टू 125 होगा, फिर 90 में सभी 125 घटा देंगे तो हमको 45 डिग्री आंसर मिल जाएगा। दोनों साइड मॉड लगा के हमको यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो है क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया हमको कि इज द ट्रिगर व्हिच वर्टिक्स आर, ये जो हमको पॉइंट्स है एट राइट एंगल ट्रिगर, मतलब ये पॉइंट्स जो है इनमें पास कितना पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट जो है ये बोल रहा है, इन 3 पॉइंट्स जो है ये क्या है ना, मतलब राइट एंगल ट्रिगर है। देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट है यहाँ पर। अभी सही पॉइंट्स को यहाँ पर लिखते हैं, ए में जो है 5 और -6 और बी में जो है 1 2 और सी में जो है -7 और -2, ठीक है। हम सभी लाइन का क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, ठीक है। इन स्लोप निकालने के बाद कोई दो स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे जिसका प्रोडक्ट हमको -1 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा ये जो है पॉइंट्स क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन करेंगे। आपको जो लिखना है पहले गिवन द पॉइंट ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी नहीं लिख, डायरेक्ट हम एम ए बी लिखते हैं। एम ए बी देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो -6 -2 5 -1 ये क्या हो जाएगा -8/4, 4 में 8 ये -2 आया है, ठीक है। फिर एम बी सी, तो यहाँ पर x1 y1 और ये x2 y2 ऐसा मान लीजिए, तो -2 फिर -2 -2 फिर -2 -7 फिर -1 -7 फिर -1 ये क्या हो जाएगा 2 2 4, -4 और -7 -1 क्या हो जाएगा -8, तो 4 में ये क्या हो जाएगा 8 और -7 से कट जाएगा 1/2। इस दोनों स्लोप को हम निकालेंगे, ए सी का स्लोप निकालेंगे, तो एम ए सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, तो -2 फिर -6 -2 फिर -, फिर यहाँ पर -6 है, फिर यहाँ पर क्या -7 फिर -5, ये -+ हो जाएगा 4 में हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ से 7 5 12, ये -12 4 किया 12, -1/3 आया, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एम ए बी यानी कि स्लोप ए बी गुना स्लोप बी सी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या है -2 मल्टीप्लाई 1/2, देखिए -1 आया है क्या, आ गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस और मेड बाय द पॉइंट आर राइट एंगल ट्रिंगल, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। सिर्फ आपको ऊपर में इतना ही चीज लिखना है कि हमको गिवन द पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट्स दिया गया और हमको क्या प्रूव करना है, ये जो पॉइंट्स है राइट एंगल ट्रिंगल है, ठीक है। इसी बात लेने के बाद यहाँ से हमको सॉल्यूशन करना है और ये फिगर बना देना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा, इसमें क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और बोला गया ये जो इक्वेशन है ये किस पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या करना है के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन दिया उसको हम लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन ये इक्वेशन है 2x+3y+4+, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, k 6x और फिर -ky+12k=0 लिखेंगे। उसके बाद मेरा पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा है, ये दोनों दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन मेरा दूसरा है, इसको हम एक ढंग से और लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ x है यहाँ x है, अगर इसमें और इसमें x में कॉमन लेंगे क्या होगा हमको 2+6k होगा, इसको हम और लिख सकते हैं यहाँ पर x(2+6k, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए -ky और यहाँ पर क्या है 3y, अगर यहाँ से हम y कॉमन लें तो यहाँ पर क्या होगा 3-k हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3-k। उसके बाद आगे आते हैं, क्या बचा है, ये बचा है और ये बचा है, तो 12k+4 लिखते हैं आगे, 12k+4=0, ठीक है।
ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ये दूसरा, हम दोनों क्या करते हैं स्लोप निकालते हैं। और यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन बोला गया कि ये क्या है, ये दूसरे पर परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन वन, तो एम वन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर एक एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2+6 के, और यहाँ पर हमको माइनस लिखना है 2+6 के। पहले ही लिखा रहता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फॉर्मूला पर ही माइनस है, इसे माइनस लगाए, बटे क्या हो जाएगा 3-k। फिर हमको एम टू निकालना है, यानी किससे, यहाँ से क्या हो जाएगा 7/5, माइनस 7/5, क्योंकि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7, और वाई कोफिशिएंट क्या होगा 5। अब देखिए, जब ये एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, तो बात हम किए थे इससे पहले कि अगर दो लाइंस एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे। चलिए, तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू -1 होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो लिखिए 2+6 के माइनस है, और 3-k गुना -7/5 इक्वल टू -1 है, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं, तो 7 × 2 2+6 के और माइनस इस साइड आएगा, देखिए 5 इन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3-k। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से मल्टीप्लाई किए, 7 क्या जाएगा 14, और ये अच्छा के 42 के, और यहाँ पर 5 × 3 = 15 माइनस में, और ये प्लस क्या हो जाएगा, इसको साइड लेके चलते हैं और के कोई साइड लेते हैं, 42 के - 5 के इक्वल टू -15 - 14, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 37, तो 37 के इक्वल टू -29। अब यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा -29/37, तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का जो मेरा सवाल है, इसमें बोला गया है कि एग्जामिन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मतलब समझ लीजिए, हमको जो ये इक्वेशन दिया गया है, इसे बोल रहा है जांच करने के लिए कि क्या ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, या एक दूसरे मतलब एक दूसरे का पैरेलल है, या एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, या एक दूसरे का कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट करने का मतलब ये होता है कि अगर दो इक्वेशन है, वही दो इक्वेशन एक ही लाइन पर होगा। ठीक है, बात को समझिएगा, तो यहाँ पर वही चीज को बोला गया देखने के लिए, तो हम उसी चीज को यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। तो पहला जो है सवाल है 1 नंबर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x+y+2 = 0 एंड 2x+2y-7 = 0 है। तो पहले इसको हम चेक करते हैं, ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इक्वेशन या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो हम पहला सॉल्यूशन करते हैं, तो इसे क्या रखें, हम स्लोप निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप पहले लिख ही लीजिए इक्वेशन को, x+y+2 = 0 इक्वेशन मेरा 1, और दूसरा क्या है 2x+2y और -7 = 0, ये इक्वेशन मेरा 2 है। स्लोप ऑफ 1, तो m1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर -1, फिर m2 क्या आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर -2y2 क्या होगा, -1 ही होगा ना, ऊपर -1 और 2 कर जाएगा, -1 बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लोप जो मेरा क्या आ रहा है, m1 = -1 और m2 = -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या जानते हैं, अगर दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन क्या होता है, अगर उसका स्लोप बराबर आ जाए तो क्या होता है, वो इक्वेशन पैरेलल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दीज इक्वेशन आर पैरेलल। ठीक है, दीज इक्वेशन आर पैरेलल, मेरा आंसर यही है। फिर दूसरा नंबर चलते हैं, x+y+2 = 0 इसको इक्वेशन 1, और 2x-3y+5 = 0 इसका भी स्लोप निकालेंगे, तो m1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, और m2 बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 2/3 हो जाएगा, क्योंकि -2
अब फिर कोफिशियंट ऑफ वाई क्या होगा, माइनस, दोनों माइनस से कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एम वन और एम टू को, तो माइनस वन गुना टू बाई थ्री, तो माइनस वन तो होने वाला है नहीं, और ये एक दूसरे के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर देख सकते हैं एम वन नॉट इक्वल टू एम टू है, ऐसा ही है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, प्रतिच्छेदी है एक दूसरे का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिज आर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। बाकी बात इंटरसेक्टिंग है ना, तो ये पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसा आप नीचे लिख सकते हैं दिज आर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस और वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड इसको इक्वेशन वन, और उसके बाद क्या है टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन टू मानिए। अब देखिए कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है, इसका अनेक हल हो सकता है, ठीक है, और इसका जो होता है अगर कोई दो इक्वेशन है, ए वन बटे ए टू और बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम निकालेंगे, देखिए ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, तो यहाँ से एक्स कॉन्सिडेंट क्या है वन, तो वन बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर टू। फिर यहाँ देखिए कॉन्सिडेंट का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, ए वन बटे ए टू इक्वल टू बी वन बटे बी टू इक्वल टू सी वन बटे सी टू, कॉन्सिडेंट का ये कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए वैसा ही होता है, एक्स कॉन्सिडेंट क्या है वन और एक्स का नीचे का कोएफिशिएंट टू, फिर ऊपर का वाई कोएफिशिएंट वन, अभी वाई कोएफिशिएंट यहाँ पर नीचे टू, और देखिए दो दो ना चार, तो एक बटे दो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ऐसा कंडीशन आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या है संपाती है एक दूसरे का, तो लिखेंगे दिज इक्वेशन आर, दिज इक्वेशन आर कॉन्सिडियंट, सी ओ आई एन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद थर्ड नंबर में है यहाँ पर टू एक्स प्लस, ये देखिए इसको अपने खुद से सॉल्व कीजिए, इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू बाई वन आएगा एम वन बराबर, फिर एम टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू। अगर यहाँ स्लोप निकालेंगे दोनों को प्रोडक्ट के में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, सॉरी एम वन एम टू को मल्टीप्लाई करने बाद माइनस वन आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें क्या होगा, पहले हम क्या करते थे कि हमको दो इक्वेशन लाता था और उससे क्या करना पड़ता है, हमको स्लोप निकाल करके हमको थीटा फाइंड करना होता था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको दोनों इक्वेशन का थीटा दिया हुआ रहेगा और एक इक्वेशन का स्लोप दिया रहेगा और दूसरे का हमको मतलब स्लोप निकालना है, ठीक है। ऐसा मेरे कहने मतलब फिर समझिएगा, इस बात को हम दोबारा बोल रहे हैं कि दोनों लाइन्स का जो यानी दोनों इक्वेशन का हमको एंगल इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसी इक्वेशन या उसी लाइन का हमको स्लोप दिया रहेगा, अब फिर हमको दूसरे लाइन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लोप निकालना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड यहाँ पर इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज फोर, मतलब दो एंगल्स जो होता है दो लाइन्स के बीच का जो एंगल है वो मेरा क्या है पैरा फोर है, ठीक है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज वन बाई टू, मतलब एक लाइन्स का एक रेखा का स्लोप क्या दिया हुआ, वन बाई टू दिया हुआ है, ठीक है। और हमको बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, हमको अदर लाइन का क्या चाहिए स्लोप चाहिए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले हमको जो डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लिखते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमको क्या है थीटा पाई बाय फोर और स्लोप क्या है, देखिए एम वन क्या है मेरा वन बाई टू और हमको क्या है एम टू निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम फार्मूला से क्या जानते हैं, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बटे वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थीटा हम क्या दिया हुआ है पाई बाय फोर, तो टेन पाई बाय फोर हो गया, फिर एम वन का वैल्यू क्या है वन बाय टू माइनस एम टू और फिर यहाँ पर वन प्लस वन बाय टू इंटू एम टू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन पाई बाय फोर वैल्यू क्या आता है वन, यानी टेन पैंतालीस का वैल्यू, तो वन बराबर यहाँ पर देखिए और इस मोड को हटाएंगे इस साइड क्या आएगा प्लस माइनस आएगा, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा वन बाई टू माइनस एम टू और यहाँ वन प्लस वन बाई टू इंटू एम टू, इसका दो स्वरूप निकलेगा। यहाँ से एक बार प्लस लेके निकालेंगे उसके बाद एक बार माइनस, इफ प्लस वन वन लिखते हैं डायरेक्ट वन बाई टू माइनस एम टू और वन प्लस वन बाई टू इंटू एम टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे वन से क्या आएगा वन प्लस वन बाई टू एम टू इक्वल टू वन बाई टू माइनस
ठीक है। अब देखिए ये क्या करते हैं, 1 - 1/2 इसको भी साइड लेके आए हैं और इक्वल टू जो -m2 है और फिर इसको साइड लेके चलते हैं 1/2 m2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल 1/2 होगा और ये क्या होगा -3 m2/2। ठीक है, और यहाँ देखिए ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये -3 कहाँ आएगा, यहाँ नीचे में 1 के नीचे में, तो -1/3 लिख सकते हैं इसको। m2 बराबर क्या निकला है, बोलो -1/3। इफ अगर हम क्या लें यहाँ पर -1 लिए तो यहाँ देखिए 1/2 -m2y क्या हो जाएगा 1 + 1/2 और m2 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम -1 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो -1 फिर -1/2 और क्या आ जाएगा यहाँ पर m2 माइनस में, इसको लिखते हैं 1/2 -m2। अब देखिए इसको फिर क्या करेंगे, 1/2 सॉरी यहाँ पर -1 है, -1 फिर ये साइड आएगा 1/2, फिर देखिए -m2 है ये, फिर इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +1/2 m2 होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा -3/2 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -2m2 यानी कि -m2 2m2 फिर उसमें से एक चार घट जाएगा, कितना हो जाएगा -m2/2, यहाँ से ये टू कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 बराबर क्या निकला है स्लोप 3। तो मेरा ये आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से मोड़ जब हटता है तो इधर क्या होता है, इसमें प्लस माइनस लगता है। ठीक है, तो नोट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी हमको कोई लाइन का स्लोप ही निकालना है, जिसमें हमको क्या दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है थीटा और एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, जो हमको दिया वो सब लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री और इक्वेशन क्या है गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन मेरा है 3x - y + 5 = 0। हम इक्वेशन से क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि m1 बराबर क्या हो जाएगा -coefficient of x, तो -coefficient of x क्या है 3 और coefficient of y -1 है, यहाँ पर ये -1 ये -1 कैसे हो जाएगा 3/1 क्या होगा 3 लिख सकते हैं इसको। तो m1 बराबर क्या आया हमको 3। ठीक है, अब थीटा बराबर 45 डिग्री है, यदि ये स्लोप निकल गया है तो क्या हम अगर इस फॉर्मूला पर रख दें tan थीटा m1 - m2/1 + m1 × m2, अगर इसमें हम m1 रख दें और थीटा रख दें क्या मैं दूसरा स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री इक्वल टू में यहाँ पर 3 - m2/1 + 3m2, 1045 का कितना आएगा 1 और ये वो रहेगा इधर क्या आएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1 लिख करके जो है हम डायरेक्ट 3 - m2/1 + 3m2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार हम प्लस लेके काउंट करते हैं, इफ +1 = 3 - m2/1 + 3m2, तो इसमें क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 1 + 3m2 = 3 - m2। ठीक है, ये देखिए 1 - 3 ये 3 साइड आएगा, फिर क्या करेंगे -m2 है और इसको हम इस साइड ले चलते हैं ये 3m2 को, तो 1 - 3 क्या आ जाएगा -2 और ये -4m2, ये दो ना 4, ये क्या आ जाएगा m2 बराबर 1/2 क्योंकि यहाँ देखिए -2 है और ये 4 इस साइड आएगा। देखिए यहाँ पर इसको दिखाते हैं -2 = -4m2 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे इस साइड लेगा -2y = 4 होगा, इधर क्या बचा m2, ये दो ना क्या होगा 4 और -1 से कैंसिल लेगा तो ये दो ना क्या होगा 4, तो दो ना 2 1/2 हो जाएगा, m2 बराबर क्या होगा वही लिखे हैं 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस लेके बाद निकाले थे, अब हम माइनस लेके निकालते हैं, तो -1 - 3 - m2/1 + 3m2। अब यदि ये इस साइड आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 - 3m2 = 3 - m2, इसको हम इस साइड लेके आते हैं तो -1 - 3
माइनस एम टू, ये प्लस में 3m2 हो जाएगा, तो माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2m2 माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू m2 लिख सकते हैं इसको, ये दो ना 4, तो m2 बराबर क्या आ जाएगा ये 2, तो स्लोप इसका 2 निकलेगा और 1/2 निकलेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी माइनस में आएगा, ये मेरा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आपको जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे हम। तो सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट है मेरा 3, 2। ठीक है, और उसके बाद हमको थीटा क्या दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है, और उसके बाद लाइन्स एक है जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं, गिवन द इक्वेशन, मतलब वो क्वेश्चन से ही है जिसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या है यहाँ पर इक्वेशन, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम पहले क्या काम करेंगे यहाँ पर, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमको यहाँ पर बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब हमको लाइन का इक्वेशन मांग रहा है यहाँ पर, इस बात पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या मांग रहा है, लाइन का इक्वेशन मांग रहा है, तो लाइन इक्वेशन मांग के हमको एक पॉइंट दिया गया है और हमको थीटा दिया गया और एक इक्वेशन दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा सोचिए, इस इक्वेशन हम क्या करें, स्लोप निकालना है, यानी कि m1 बराबर मेरा स्लोप निकल जाएगा और थीटा भी है। ठीक है, m2 निकाल करके, m2 क्या करना है हमको निकालना है, m2 निकाल करके एक पॉइंट दिया गया है, तो m2 जो निकलेगा वो स्लोप, तो एक पॉइंट और एक स्लोप से क्या इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, या ऑब्वियसली निकाल ही सकते हैं। चलिए हम वही काम करते हैं, तो पहले स्लोप ऑफ इक्वेशन निकालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा स्लोप, तो m1 बराबर माइनस कोफिशियंट ऑफ x, तो माइनस 1, x का कोफिशियंट क्या होगा 1, और इसका कोफिशियंट माइनस 2, तो ये 1/2, स्लोप में क्या निकला 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे फॉर्मूला से, तो क्या जानते हैं, वी नो टेन थीटा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा, हमको थीटा क्या है 45 है, सॉरी यहाँ पर इसको टेन 45 लिखिए, और m1 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस m2 और 1 प्लस 1/2 इंटू इंटू आया है, और टेन 45 की वैल्यू क्या आता है 1, और यदि मोड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 1/2 माइनस m2/1 प्लस 1/2 इंटू m2। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इफ प्लस 1 लेंगे तो 1/2 माइनस m2/1 प्लस 1/2 और m2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 m2 इक्वल टू 1/2 माइनस m2। अब इसको 1 माइनस 1/2 इधर लाते हैं और इसको भी साइड ले जाते हैं, माइनस m2 माइनस 1/2 m2 है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 3 m2/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 3 इस जगह आ जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा माइनस 3, तो m2 बराबर माइनस 3 आया है, यानी कि एक स्लोप में क्या निकला है माइनस 3। ठीक है, अब एक बार माइनस लेके देखते हैं क्या आता है, तो देखिए माइनस लेते हैं तो 1/2 माइनस m2, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2, और यहाँ पर क्या है m2 है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 1 माइनस 1/2 m2, और यहाँ पर 1/2 माइनस m2, तो हाई। ठीक है, इसको एक बार इस साइड लेके आते हैं, माइनस 1/2 और यहाँ पर माइनस है माइनस 1, फिर ये 1/2 इस साइड क्या होगा माइनस में, फिर माइनस m2, और फिर ये इस साइड क्या हो जाएगा प्लस में 1/2 m2, ये माइनस 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस m2/2, ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस में कैंसिल, m2 बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, हमको स्लोप कितना निकला है, 2 स्लोप निकला है। अब इन दोनों स्लोप, पहले स्लोप से इस पॉइंट के थ्रू इक्वेशन निकालेंगे, कि इस स्लोप के थ्रू इस पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर हमको 2 स्लोप निकला है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इफ m2 बराबर माइनस 1/3 है, तो इस स्लोप के थ्रू हमको इक्वेशन निकालना है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या आ जाएगा
y माइनस वाई वन, तो यहाँ पर क्या है 2, और स्लोप माइनस वन बाई थ्री एक्स माइनस एक्स वन, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या जाएगा 3y माइनस 6 और माइनस एक्स प्लस क्या जाएगा 3 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। तो अब देखिए इसको इस साइड लेकर आते हैं, तो एक्स प्लस 3y और ये 3 की साइड लेंगे क्या माइनस 9 इक्वल टू में 0। मेरा पहला इक्वेशन ये हो गया। अब फिर लिखते हैं इफ एम टू बराबर क्या है 3 है, अगर यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 क्या है 2 और उसको जो मिला है 3 और x माइनस 3। देखिए ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 और ये 3x, 3 माइनस में 9, हम 3x को यही रहने देते हैं, इसको उस साइड ले चलते हैं। तो 3x और ये उसका जाएगा माइनस, और फिर इसको उस साइड ले चलेंगे तो माइनस में 7 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखिए 3x है, ये उसका जाएगा तो माइनस में होगा, फिर माइनस 9 और ये प्लस में 2 आएगा तो माइनस 7 ही होगा ना। और ये मेरा क्वेश्चन, देखिए ये दोनों मेरा आंसर है और ये भी आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक सारा क्वेश्चन था जो मैंने बताया वो क्वेश्चन, ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू लाइन से ये जितना सारा क्वेश्चन था इन सभी क्वेश्चन को हम क्लियर कर चुके हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को आप चाहे तो कोई टेक्स्ट बुक से भी बना सक्ते हैं, ठीक है, आप बनाते हैं तो आपका क्लियर होगा। और जितना सारा क्वेश्चन बताएं इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है।